ल्चरल साइकोलॉजी असेसिंग एंड ट्रीटिंग डिप्रेसिव एक्सपीरियंस एंड डिस कल्चरल क्लिनिकल इनकाउंटर्स इस लम्बे से जुमले का क्या मतलब है हम बात शुरू कर चुके थे कि डिप्रेशन के लफज उसकी इंटरप्रटेशन में क्लिनिशियंस को कल्चरल कॉन्टेक्ट्स का ख्याल रखना चाहिए इस पर बहुत क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिप्रेशन को सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर्स में नहीं समझा जा सकता इसके सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल भी देखने हैं ना सिर्फ जिस तरह लोग बात करते हैं डिप्रेशन की जाके अपने क्लिनिशियन से जैसे उसे खुद समझते हैं और जैसे उसे बयान करते हैं और जिस तरह लोग उसे रिस्पॉन्ड करते हैं इन सब को कल्चर इन्फ्लुंस करता है उसकी एक्टिवली एक बड़ी क्लियर एग्जांपल थी कि लोग अपने सिम्टम्स को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं मुख्तलिफ़ कल्चर्स में तो कल्चरल साइकट्रीसी का नाम होता है अब सवाल ये कि अगर हमने इन सारी बातों का ध्यान रखना है तो हमने ये सवाल छोड़ा था कि फिर क्या करें अगर ये एक इतना अहम प्रॉब्लम है कि वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड डिसऑर्डर एंड एक्सपीरियंस इज़ नॉट प्रीडोमिनेंटली द ओनली व्यू इसलिए तमाम कल्चर्स में इस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट नहीं किया गया तो जो थेरेपिस्ट है कॉम्पिटेंट काउंसलर है जो साइकेट्रिस्ट है वो फिर इस डिप्रेशन को किस तरह समझे और डील करें तो इसके कई तरीके हैं कि आप कल्चरल डिटर्मिनेंट समझें क्या चीज़ कल्चरली डिटर्मिन करती है डिप्रेसिव एक्सपीरियंस और डिसऑर्डर को इसकी एक चेक लिस्ट है वन टू फोर इसमें क्वेश्चन है वन टू थ्री ज़ीरो वन टू थ्री फोर और आप इसमें अपने पेशेंट से पूछते हैं किस हद तक आपका पेशेंट जो है उस वर्ल्ड व्यू लाइफ स्टाइल बिहेवियर पैटर्न एंड एथनोसेंट्रिक ट्रेडिशन के से आइडेंटिफाई करता है जिसमें वो मौजूद है जिसमें वो पैदा हुआ है जिसमें पला बड़ा जो उसका कल्चर है एंड जिसके अंदर कल्चरल वेरिएशंस हैं ठीक है ना वर्ल्ड व्यू के अंदर दूसरे वर्ल्ड व्यू से कल्चरल वेरिएशन होंगी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है उसका जो जिस कल्चर में वो बैठा है और जिस कल्चर से पेशेंट आ रहा है तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये कल्चरल वेरिएशन किस किस चीज़ में है अपनी ज़ात पेरेंट हुड एंड सेल्फ हुड नॉर्मैलिटी एब नॉर्मैलिटी हेल्थ एंड वेलबींग किस चीज़ों को कहा जाता है प्रैक्टिस एंड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स इलनेस एंड डिजीज़ बीमारी के बारे में क्या नजरिया है बीमारी के बारे में क्या किया जाता है ठीक हमारे कल्चर में इवन मेडिकल और एवरी डे डिज़ीज़ के बारे में क्लास टू क्लास इतना फ़र्क है टू कल्चर टू कल्चर भी फ़र्क होता है किसी जगह पे उस बीमारी को टाल दिया जाता है किसी जगह उस बीमारी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और किसी जगह उस बीमारी की सही अप्रोच उसके बारे में इख्तियार नहीं की जाती प्री नेटर पैदा होने से पहले पैदा होने के बाद न्यूट्रिशन बच्चे की डिजीज़ से कितना एक्सपोजर है जर्म से बीमारी से इसमें कल्चरल वेरिएशंस है मतलब ये कि एक से दूसरा कल्चर इसमें फ़र्क है तो किस हद तक जिस वर्ल्ड व्यू में आपका पेशेंट है वो इन इन चीज़ों में कल्चरल वेरिएशन मौजूद है उनके कल्चर से आपके कल्चर की जो आप जो उनको ट्रीट कर रहे हैं इसी तरह कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस बच्चे पैदा करने और हाई रिस्क लीनिए हाई रिस्क लीन जो होती है कि ख़ानदान में एक बीमारी है और वहाँ शादियाँ आपस में हो रही हैं तो वो बीमारी आगे चलेगी क्या इसके बारे में कल्चरल वेरिएशन है सोशलाइजेशन यानी सोसाइटी का हिस्सा बनना बच्चे को बड़े होते हुए सिखाना कि मुआरे में कैसे पला बढ़ा जाता है जैसे रहा जाता है बिहेव किया जाता है फैमिली रिलीजन एंड कम्युनिटी इसमें कल्चरल वेरिएशन हैं मेडिकल हेल्थ केयर सिक रोल स्टैचूज हीलर्स डॉक्टर्स इसमें कोई कल्चरली मुख्तलि वायटी है फिर वो स्ट्रेस जो कि सोशियो कल्चरल डिसंटेग्रेशन जब कोई मुआरा बिखरता है टेक्निकल चेंज अर्बनइजेशन और इकनॉमिक डेवलपमेंट के अराउंड जो स्ट्रेस होते हैं क्या उसमें भी कल्चरल वेरिएशन है मुख्तलिफ़ कल्चर्स में और जिस कल्चर में क्लिनिशियन और पेशेंट जो हैं वो बैठे हुए है. हैं हमारे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आज कल इकनॉमिक डिवेलपमेंट का जो स्ट्रेसर है उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है एक इंडिविजुअल तो डिप्रेशन को उस कॉन्टेक्स में देखने की ज़रूरत पड़ेगी जिस सोसाइटी में बीस साल से चीज़ों की कीमतें ही बहुत कम बढ़ी हैं जहाँ लोग जहाँ रहते थे वहीं रहते रहे हैं वहाँ डिस्प्लेस नहीं हुए वहाँ कोई इकोनॉमिक पॉलिसी का क्लेप्स नहीं हुआ वहाँ पे कोई उनको फॉरेन करेंसी के इश्यूज नहीं हैं या उनको इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के या और तरह की फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर बन जाता है इसी तरह डिवियंस एंड डिसफंक्शन यानी आप हट रहे हैं आम डगर से या बिल्कुल कोई डिसफंक्शनल हो गए हैं कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं क्या इसमें कल्चरल वेरिएशंस हैं ऑल्टरनेट इकनॉमिक्स आम तरीके से नौकरी के ज़रिए पैसे कमाना या कोई और भी तरीक़ा चल रहा है इकनॉमिक एक्टिविटी का सोशल स्ट्रक्चर इसमें भी कल्चरल वेरिएशन होती हैं फिर स्ट्रेस हैं क्लैरिटी कॉन्फ्लिक डेप्रीवेशन इन रिलेशन टू रोल्स नीड्स एंड वैल्यूज़ अब आप ये देखें पूरा स्पेक्ट्रम है कल्चरल वेरिएशन का फिर स्ट्रेस है सोशो पोलिटिकल फैक्टर्स के रेसिजम वगैरह एजिजम मार्जिनलाइजेशन कोपिंग पैटर्नस इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल सपोर्ट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस तो इन सब में जो कल्चरल वेरिएशन है वो क्या हमारी क्लाइंट और उसकी जो रिलेशनशिप है उसको इफेक्ट करती है ये हमें देखने की ज़रूरत होती है अब इसके अंदर क्या किया जा सकता है ये जो कल्चरल वेरिएशन है इनको अवेयरनेस एंड नॉलेज कल्चरल फ्लुएंसी, आप किस तरह स्किल्स अपने करते हैं कल्चरल कंसल्टेशन से कलेब्रेशन किस तरह करते हैं और इसको असेस करते हैं अब अगर इन बारह पॉइंट्स के ऊपर आपका स्कोर जो है वो चौबीस से ज़्यादा आ गया है तो फिर वेस्टर्न मॉडल यूज़ करना जो है वो एक इंतहाई रिस्की बात है क्योंकि उसमें आप एरर करेंगे असेसमेंट में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में आप जो है वो कल्चरल इंटरव्यू करते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए कल्चरल फ्लुएंसी पैदा करते हैं अपनी ट्रेनिंग फॉर्मल करते हैं कल्चरल टीम बना लेते हैं क्रॉस कल्चर से लेके जैसे आप जो हैं वो थेरेपिस्ट हैं एक आपका क्लाइंट है तो क्लाइंट के कल्चर से ही आप कुछ मैचिंग लोकल इनिशियंस ले लेते हैं और उस टीम के ज़रिए और फिर आप कलेब्रेशन करते हैं ग्लोबल रीच आउट करते हैं इन चीज़ों के ज़रिए आप इन वेरिएशन को अपनी प्रैक्टिस में जो है वो असेसमेंट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इससे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंटर होगा और आपकी ज़्यादा मीनिंगफुल क्लाइंट और थेरेपिस्ट रिलेशनशिप बनेगी और फ़ायदा होगा